नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। कैंप कार्यालय में आयुक्त सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने शनिवार को जन सुनवाई कर मौके पर शिकायतों का समाधान किया। जिन शिकायतों में अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद और पीएफ भुगतान अतिक्रमण, सड़क नालियों की सफाई आदि से संबंधित आई। आयुक्त द्वारा जन सुनवाई में अधिकांश शिकायतों का समाधान मौके पर किया गया, तो वहीं जन सुनवाई में अधिकांश भूमि संबंधित विवादों की शिकायत के संबंध में आयुक्त ने कहा कि जमीन क्रय करने से पूर्व राजस्व विभाग से जमीनों की अवश्य जांच करा ले। उन्होंने कहा, लोगों द्वारा भूमि विवाद की शिकायत में बताया जाता है कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं होने के कारण लोग गलतियां करते हैं और जिसका खामियाजा भविष्य में लोगों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा, जानकारी ना होना भी एक अपराध है, इसलिए भूमि क्रय करने से पूर्व सभी जानकारियां होना जरूरी है ताकि भविष्य के परेशानियों से बचा जा सके। इसके साथ ही आयुक्त ने कहा कि जनसुनवाई में शिकायतकर्ता पूर्ण जानकारी एवं दस्तावेजों के साथ नहीं आते हैं, जिससे शिकायतकर्ता की शिकायत की पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है। उन्होंने शिकायतकर्ताओं से कहा कि जनसुनवाई में शिकायतकर्ता पूर्ण जानकारी एवं प्रपत्रों के साथ आए ताकि शिकायतकर्ता का समाधान आसानी से हो सके। तो वही इस दौरान भूमि विवाद में लगभग 25 लोगों द्वारा अपनी शिकायत में बताया गया कि उनके द्वारा भवन बनाने हेतु सुंदरपुर रैकवाल गोलापार में लगभग 6 बीघा जमीन दीपांशु बेलवाल से खरीदी थी, जिसमें लोगों द्वारा लगभग 2 करोड़ की धनराशि दीपांशु बेलवाल और सह खातेदार कमल बुड़ला कोटी के खातों में ट्रांसफर की गई। जिस संबंध में आयुक्त ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार हल्द्वानी को तलब किया, क्योंकि बेलवाल द्वारा जो भूमि बेची गई थी वो उक्त भूमि खतौनी में शेष नहीं थी, जिस पर आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि विक्रेता सभी को भूमि उपलब्ध कराएं या धनराशि वापस करें, अन्यथा दीपांशु बेलवाल के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही जनसुनवाई में गौजाजाली के निवासियों द्वारा बताया गया कि बाईपास पर ट्रंचिंग ग्राउंड में लोगों द्वारा आग लगा दी जाती है, जिससे प्रदूषण से आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। आयुक्त ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त विशाल मिश्रा को स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर आयुक्त को ट्रंचिंग ग्राउंड में सुरक्षा गार्ड एवं सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा न हो। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।